Hello everyone, welcome to the course Computer Integrated Manufacturing System with another topic, Group Technology. In this session, the student or listener will be able to understand the meaning, importance, goal and benefits of group technology. Subsequently, what is the part family, how the part family are going to make and how they are classified will also be the part of a decision. To start with, as we all know, the batch production is the most common form of production of any product across the world. Further, to make more efficient and more productive, this batch production is must. Further, to achieve high level of integration between the design and manufacturing function for the targeted product is also important and increasing day by day, so that the cost of that product would be minimized. So group technology benefits this all aspects and cover under it. So let's have some introduction about group technology. It's basically a philosophy in which the similar kind of part first of all identified, then they are grouped together to take the advantage of the similarity in the form of design or similarity in the form of production process. That basically address the group technology. The similar part are arranged into the and prepare a family where each part family processes similar design and or maybe manufacturing characteristics. The processing of each member of a given family would be similar. This result in a better manufacturing efficiency. इसको ऐसे समझिए कि अगर कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सिमिलर तरह की प्रोडक्शन प्रोसेस रखते हैं या उनके लिए उनको बनाने में सिमिलर काइंड का प्रोडक्शन प्रोसेस रखता है. फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में सर्कुलर शेप का है और वो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस है, पहले उसको लेथ पे जाना है, फिर मिल पे जाना है, फिर वापस लेथ पे जाना है या फिर ड्रिलिंग के लिए जाना है. और सिमिलर काइंड का दूसरा प्रोडक्ट है जो सर्कुलर ही है, सिलेंड्रिकल काइंड का है, उसी को इन मशीन्स पे जाना है, बट उनकी डिजाइन भी सिमिलर है. चेंजेस आर इन अ स्मॉल चेंजेस इन द डायमीटर्स, स्मॉल चेंजेस आर होल्स, लोकेशन ऑफ द होल्स. तो छोटे छोटे चेंजेस है बट The process is similar, product is similar. तो इन सब को हम कहेंगे कि इन सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसको बोलेंगे हम batch production करेंगे इनका, और ये इस family से belong करते हैं. तो क्या होगा इससे? What is that? कि उससे हमें ये होगा कि इसके लिए जो जरूरत में आने वाली चीजें हैं, for example कुछ jigs चाहिए, कुछ fixers चाहिए, वो सारी चीजें constant रहेगी और vary नहीं करेगी. तो हम हमारा प्रोडक्शन प्लान भी स्टैंडर्डाइज कर पाएंगे, उनकी शेड्यूलिंग भी बेटर कर पाएंगे, और उनके लिए क्या टूल चाहिए वो हमें पहले से पता होगा, पहले से हम प्रिपेयर करके रखेंगे, और एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं होगा. क्यों? कि हमें एक्स्ट्रा इन प्रोसेस जो इन्वेंट्री है वो भी नहीं रखनी पड़ती. सो इस तरीके से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फिलोसॉफी को टारगेट करेंगे कि ग्रुप टू जो सिमिलर काइंड के प्रोडक्ट है जिसको हमें बनाना है उनको ग्रुप कर देंगे और ग्रुप वाइज उनका प्रोडक्शन करेंगे. सो द पर्टिकुलर सेल, हम सेल बनाएंगे कि मशीनों का ये सेल इस तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए है. सो हमारा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, सेटअप टाइम, इन प्रोसेस इन्वेंट्री, बेटर शेड्यूल्स, इंप्रूव टूल कंट्रोल एंड सो ऑन. सो दिस इज बेसिकली अ ग्रुप टेक्नोलॉजी. Further, the manufacturing efficiency are generally achieved by arranging the production equipment into the machine group or cells to facilitate work in flow. समझिए इस बात को कि हम ऐसे एडजस्ट करेंगे हमारी मशीन्स को
कि सिमिलर काइंड का प्रोडक्ट और जो वर्क का फ्लो है वन वन मशीन या वन शॉप टू अनदर शॉप, वो फ्लो है वो मेंटेन रहे. सो व्हाट इज दैट मींस दैट कम द आउटकम ऑफ दैट थिंग इज द मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी इंक्रीज. ग्रुपिंग द प्रोडक्शन इक्विपमेंट लाइक अ मशीन, सीएनसी, लेथ, चेपर, स्लॉटर एक्सेट्रा, उनको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे जो एक पर्टिकुलर पार्ट फैमिली की मैन्युफैक्चरिंग कर सके, तो हम उसको बोलेंगे सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग. कि एक सेल जो है वो मैन्युफैक्चर करता है पर्टिकुलर काइंड की फैमिली या फैमिलीज को. सो तो दोस्तों बात समझ में आ रही होगी कि ग्रुप टेक्नोलॉजी है क्या. अब ग्रुप टेक्नोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट और बेसिक गोल क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम. जो भी मैन्युफैक्चरिंग में आज तक जो टाइम लग रहा था फैमिली को एक जगह इकट्ठा करके सेल के थ्रू मैन्युफैक्चर कराने में, हमारा जो लीड टाइम है प्रोडक्ट स्टार्टिंग से लगा के प्रोडक्ट फिनिश तक, उस लीड टाइम को हम कम करेंगे. वर्क इन प्रोसेस जितना भी हो सके, जितने वर्क प्रोसेस में टाइम लग रहा है उसको कम करना. शेड्यूल, जो हमारा शेड्यूल है उसको मीट आउट करना विद इन टाइम. सेटअप टाइम, बिकॉज हमें पता है कि इसको, इस प्रोडक्ट को बनने के लिए, इस तरह के प्रोडक्ट को बनने के लिए सेटअप कितना हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, तो वी ऑलरेडी हैव अ प्रायर एक्सपीरियंस, सो दैट सेटअप टाइम विल बी रिड्यूस बिकॉज ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस. टूलिंग भी, तरह तरह के टूल्स नहीं चाहिए. हमें पता है कि पर्टिकुलर काइंड अगर गियर्स ही बनाने हैं तो हमें कौन से टूल्स चाहिए, हमें शाफ्ट ही बनानी है तो कौन से टूल्स चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ बेरिंग बनानी है बट डिफरेंट साइज की है तो हमें कौन से टूल्स चाहिए. सो इंक्रीज जो भी हमारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, चाहे चाहे हमारे क्वालिटी कंट्रोल से लगा के, मैन्युफैक्चरिंग से लगा के, सारे इक्विपमेंट का बेटर यूटिलाइजेशन होगा क्योंकि हमने सेम काइंड के प्रोडक्ट को एक जगह रखा है. सो दैट इज द गोल ऑफ द ग्रुप टेक्नोलॉजीज. अब फायदे क्या क्या होंगे. स्टैंडर्डाइजेशन की टूलिंग, एक जैसे टूल्स होंगे, स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे कि हमें ऐसे ही चाहिए. फिक्सर, सेटअप्स, ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी स्टैंडर्डाइज्ड. मटेरियल हैंडलिंग रिड्यूस होगी बिकॉज पार्ट आर मूव विद इन अ मशीन सेल रादर देन के कंप्लीट फैक्ट्री में इधर से उधर माल जा रहा है क्योंकि आपने उसकी ग्रुपिंग नहीं की थी. सो दैट द पार्ट शुड बी मूव ओनली इन टू द मशीन सेल्स. प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग आर वेरी सिंपल. सेटअप टाइम रिड्यूसेज. रिडक्शन इन द लोअर मैन्युफैक्चरिंग, जो भी लीड टाइम जो खराब था जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते थे वो इम्प्रूव होंगे. और वर्कर सेटिस्फैक्शन यूजुअली इम्प्रूव व्हेन वर्कर कोलैबोरेटिव इन द ग्रुप टेक्नोलॉजी. उनका माइंड सेट रहता है हर रोज कोई नया प्रोडक्ट उनको नहीं बनाना है और एक तरह का ग्रुप बन जाता है कि उनको उसी तरह के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो दे आर फीलिंग मच मच मोर सेटिस्फैक्शन. फिर बात करें कि हायर क्वालिटी वर्क इज अकम्प्लिश्ड यूजिंग द ग्रुप टेक्नोलॉजी. तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी. फिर हम बात करें कि एक बार देखें कि किस तरह के ग्रुप टेक्नोलॉजीज में पहले क्या था और अभी क्या है. तो देखना चाहें तो दो तरह के लेआउट इस स्लाइड में दिखाया गया है. वन बिलोंग्स टू प्रोसेस टाइप लेआउट एंड अनदर बिलोंग्स टू ग्रुप टेक्नोलॉजी. पहले ये था और अब ये है. तो प्रोसेस लेआउट की बात करें तो ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ ए गिवन पार्ट द वर्कपीस मस्ट बी मूव्ड बिटवीन द सेक्शंस. सेक्शंस कौन कौन से हैं इसके अंदर, एक है लेथ सेक्शन, एक है मिलिंग सेक्शन, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग एंड असेंबली सेक्शन. तो देखिए आप, अगर यहां से रिसीविंग एंड शिपिंग का है, यहां से अगर कोई प्रोडक्ट निकलता है, वन एरो बिलोंग्स टू वन प्रोडक्ट, सो यहां से कोई प्रोडक्ट निकलता है तो प्रोडक्ट को यहां से निकल के वापस यहां तक आने में कौन कौन से पाथ फॉलो करने पड़ते हैं, प्लीज चेक इट आउट. सो व्हाट इज आइडिया. द आइडिया वॉज द वर्क पीस मस्ट बी मूव बिटवीन द स्टेशंस, दिस स्टेशंस विद परहैप्स द सेम सेक्शन बीइंग विजिटेड सेवरल टाइम. हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि यहां से वापस इसी सेक्शन में वापस आना पड़े. दिस रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, लार्ज इन प्रोसेस इन्वेंट्री, यूजली मोर सेटअप टाइम देन नेसेसरी, लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम,
and ultimately resulted into higher cost of operation and overall cost of product. Now, look at this GT technology based, GT based layout. Here you can see the material has been received and a kind of cell has been created that has only lathe, mill, grinding assembly. And another parallel cell has been made where lathe, milling, drilling and grinding machines are there. So this kind of cell has been created and grouped together. So the product will going to this section, then this section, and will move towards the shipping portion. Now look at that. Very less kind of hazelness is there. Only single flow of the work from this section to this section. No backward, no forward, re-backward kind of thing is there. So that manufacturing of the equipment is the relatively simple, and overall cost of the product will be reduced. So a production shop is equivalent to capacity, but with the machines arranged into the cell, each cell organized in the into a specialized in the manufacture of a particular part family. फिर बात करें कि पार्ट फैमिली कैसे होती है, पार्ट फैमिली को कैसे किया जाता है। तो हम बात करें यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे तीन तरह की अलग अलग फैमिलीज दिखाई गई है जिनको हमने ग्रुप्स किया। तो व्हाट इज पार्ट फैमिली? अ पार्ट फैमिली इज द कलेक्शन ऑफ अ पार्ट दैट आर सिमिलर आइदर बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड साइज or because similar processing steps are required in their manufacturing. So this is kind of segregation we are going to make. A group of parts that possesses similarities in a geometry, shapes and size, or a processing steps used in the manufacturing are group together and will make a part family, so that process may be easier. For example, these are the same shapes, maybe feature are same but process are different, so we categorize that into the same shape and features. Like in a size, dimensional wise the things are same and processes are also same, so we are going to make the family like that. So, इस तरीके से हम फैमिलीज बनाना शुरू करेंगे कि जैसे इसमें दिखाया गया है कि कटिंग टूल्स है, कुछ प्लेट टाइप है, कुछ रॉड टाइप है, तो इनकी ग्रुपिंग करेंगे कि यहाँ पे हमारे इस सेक्शन में सिर्फ ये वाले प्रोडक्ट्स बनेंगे और दूसरे सेक्शन में ये वाले प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्लेट टाइप जो भी है, कटर्स। फिर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे स्पर गियर्स है, तो स्पर गियर एक सेक्शन में बनेंगे, हेलिकल गियर एक सेक्शन में बनेंगे, लाइकवाइज कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारी फैमिलीज हम बनाते जाएंगे। अब बात आती है फैमिली बनाए कैसे। सो फैमिली बनाने के तरीके हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि तीन तरीके से फैमिली बनाई जाती है। एक है, फर्स्ट वन इज द विजुअल इंस्पेक्शन। इन दिस यूजिंग बेस्ट जजमेंट टू अ ग्रुप पार्ट इंटू अप्रोप्रिएट फैमिलीज बेस्ड ऑन whatever kind of level of degree of similarity by only visualizing the things would be taken place. Second one is the product flow analysis. In this, the material flow from one cell or one machine to another machine has been identified, and based on that, the how the product is going to be flow from one machine to another machine from start to end, on the basis of that the family has been prepared, the family has been segregated on the based on the same similar kind of product flow. Third one is the most crucial one, time consuming, is the part classification based on coding. In this case, identification of similarities
and different differences among the parts and relating them by means of a coding system. The most time consuming and most frequently applied and successfully recognized to be as the type of segregation. Thank you for attending this session. If you like this session, then like it, comment it, share it amongst your friends, and subscribe it for the update latest video. In subsequent lectures or session, we'll again talk about advances in the group technology. Thank you.